राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सांसद सीपी जोशी का मनोनयन करने पर राजस्थान के पूर्व सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूनुस खान ने स्वागत किया है। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने गुरुवार को नई दिल्ली में सांसद और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का उनके आवास पर पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान साथ में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे देश में प्रगति व उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व को भाजपा संगठन की कमान मिलने से प्रदेश में संगठन में मजबूती आएगी। खान ने कहा कि राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। कांग्रेस ने युवाओं, किसानों और बेरोजगारों के साथ जो छलावा किया है, उसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यूनुस खान ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूर्ण ऊर्जा के साथ सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और आने वाले समय में भाजपा संगठन जोशी के नेतृत्व में मजबूत होगा। इस दौरान यूनुस खान ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस युवाओं और किसानों के साथ छलावा कर रही है। गहलोत सरकार को ढूलमूल सरकार की संज्ञा देते हुए यूनुस खान ने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों, बेरोजगारों को जो झूठे दिलासे दिए थे, उसकी वजह से राजस्थान में किसान, युवा और बेरोजगार परेशान हैं। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने तत्काल प्राकृतिक आपदा पर किसानों को राहत देने के बजाय अभी तक कोई काम नहीं किया है। यूनुस खान ने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है और राजस्थान में भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को रमजान पर्व की भी मुबारकबाद दी। माननीय सीपी जोशी जी को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई। धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का कि एक युवा और अनुभवी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसे समय बनाया है जब राजस्थान चुनावी मोड में है। और मुझे उम्मीद है कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ माननीय सीपी जोशी जी सबको साथ लेकर के और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के काम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करेंगे।